वैगनों में सिलेंडर जो है वो नाकिस ना भी हो तो क्या इसकी प्रॉपर एनओसी ली जाती है, प्रॉपर इसे क्लियरेंस दी जाती है, और इसमें कंपनी के, ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो वो इदारे जिन पर वो ट्रस्ट करके इन्हें एनओसी दिलवाती है उनका रोल कितना है, इनकी वायरिंग क्या प्रॉपर चेक की जाती है? क्योंकि ये सिलेंडर जो है आपके ख्याल में ये नाकिस सिलेंडर तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल क्वालिटी का सिलेंडर है, अगर जो अप्रूव करता कंपनी से बना हुआ है, और ये सीएनजी सिलेंडर है लेकिन इसमें एलपीजी है। आप इसे वैसे ही कितनी देर बाद चेक करवाते हैं और मैकेनिक के पास लेके जाते हैं? साल बाद। साल बाद ही लेके जाते हैं, इससे पहले जरूरत नहीं पड़ती। जो वैगन्स वाला है, हॉस्पिटल्स में सिलेंडर फटने वाला मामला है, घरेलू सार्फिन तक ये मामला है, तो असल मुद्दा ये है कि ना कि सिलेंडर, तो इसका क्या आप समझते हैं, क्या हाल है? और बशमूल आपके रिक्शों में भी फटते हैं सिलेंडर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि खोकर साहब ने अभी कहा कि जब जिस दिन आप प्रोग्राम करते हैं ना उससे अगले दिन ट्रांसपोर्टरों की शामत आ जाती है। ये सिलेंडर लगाना हमारी ज़रूरत ज़रूर है, मजबूरी नहीं है, मगर अब इस ज़रूरत को इन्होंने मजबूरी बना दिया हुआ है। गुजारिश ये है कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अगर हमें फ्यूल जो पेट्रोल है अगर हमें कम कीमत पर मिले, हमारा दिमाग ख़राब है हम वैगनों में सिलेंडर लगाएं, हमारा दिमाग ख़राब है हम रक्षों में सिलेंडर लगाएं। अगर गैस घर घर में गैस आती हो तो जो लोग बेचारे 50-50 रुपए के एलपीजी घर में लेके जाते हैं और अपने घर का किचन चलाते हैं, उनका दिमाग खराब है कि वो सिलेंडर लेके जाए मौत के साथ खेलें। गुजारिश ये है कि ये हमारे हुक्मरानों ने कभी भी आज तक गरीब आवाम का सोचा ही नहीं है। तमाशा जब प्रोग्राम करते हैं ना तो अगले दिन हमारा तमाशा लगता है कि सिलेंडर नाकिस होते हैं समटाइम्स वायरिंग इसकी ठीक नहीं होती और गाड़ी ब्लास्ट कर जाती है, खुदा ना करे। तो घरेलू सार्फिन जो सिलेंडर यूज करते हैं वो भी फटता है, अस्पतालों में भी सिलेंडर फट रहे हैं, रिक्शे सिलेंडर भी फट रहे हैं, तो आपका इस पे क्या इजहार ख्याल है? पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, पेट्रोल के लिए ही सस्ता होना चाहिए, सिलेंडर उतार देने चाहिए। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कहते हैं जी भाईजान, बिल्कुल सही बात है, पेट्रोल बिल्कुल सस्ता होना चाहिए। हाकिम चौक जोहर टाउन आतिशजदगी का वाकया हो गया कल, और आपने देखा कि 60-70 वहां जो लोग काम करते थे और फर्नीचर की मार्केट थी वो सारी जलकर खाकिस्तर हो गई। क्या नाम है आपका? जाहिद। तो क्या हुआ एग्जैक्टली? क्या हुआ? फर्नीचर दिया पॉलिश करने के लिए, बच्ची मेरी की शादी है और ये दे नहीं रहा, कहता है सड़ गया सारा, और 15,000 रुपया एडवांस भी लिया वो भी नहीं दे रहे। फर्नीचर भी नहीं दे रहे, 15 एडवांस भी नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। पूछो और कब शादी कब है? 8 दिन के बाद। आपको फर्नीचर दिया था? जी सर, इन्होंने फर्नीचर हमें दिया था पॉलिश करने के लिए, इन्होंने 15,000 एडवांस दिया, 15,000 का हमने सामान सामान लाया थे और पॉलिश डब्बे वगैरह जो हमने पॉलिश करना था, तो जब एकदम कल जब आग लगी है जो सामान अंदर पड़ा था पॉलिश का वो भी सड़ गया, जो हमारा अपना सामान था वो भी सड़ गया, इनका सामान ही सड़ गया। इनका सामान एक बेड ड्रेसिंग थी, हमारा 7 लाख का सामान था, पूरी दुकान भरी हुई थी जो पूरी की पूरी जल गई। इस टाइम हम बर्बाद है, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे पास खाने को नहीं है। चलता है एक खेमे में से 3,000 आदमी पलता है, जो बर्बाद हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, ये कहाँ से देंगे आपको? अल्लाह की रजा से हुआ है ये भाई। और इसी जगह पे जो सिलेंडर का धमाका हुआ था, और ये सिलेंडर का धमाका जो है ये को पहली दफा लाहौर में नहीं हुआ, सिलेंडरों ने बेशुमार जो है नुकसान किया है और इस पर किसी तरह की कोई पॉलिसी नहीं है, बड़े पैमाने पर वॉयलेशंस हैं। आपको आपके घरों के पास छोटे मोटे बम्प जो हैं वो मुयस्सर हैं, किस सूरत में? आपके सिलेंडरों की सूरत में। ये वो बच्चे हैं, यहाँ आपको एक और चीज दिखानी बड़ी जरूरी है, ये बच्चा जो है ये किसी स्कूल भी जा सकता है, इसके हालात आप देखिए, और ये बच्चा बड़ा होगा जब तो लाहौर का मुस्तकबिल, और इन बच्चों के हाथ में जब मुस्तकबिल जाएगा तो ये किस तरीके से मुस्तकबिल संवारेगा? रीफिलिंग वाली मशीन ली हुई है, वहाँ से आतिशजदगी हुई। हाँ जी। लेकिन धमाकों की आवाज भी साथ लोगों ने फिर सुनी, उसी से फिर आग जब स्पार्क हुई है तो पूरे मार्केट में लगी है। नक्शा स्टॉप हम खड़े हैं और ये वो बदकिस्मत दुकान है जहाँ लाहौर में लेटेस्ट तरीन सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ। जब तक फुल प्रूफ सिक्योरिटी से सिलेंडर मार्केट में नहीं पहुंचेगा और ऑथराइज नहीं होगा, और हमें एक बात और का बहुत बड़ा डाउट है, बहुत बड़ा खदशा है कि जब आप ये सारे के सारे जाली सिलेंडर यहाँ से उठाएंगे और नए सिलेंडर इस नाम पे देंगे कि ये रजिस्टर्ड सिलेंडर हैं, तो वहाँ भी बहुत बड़े पैमाने पर घपले होने के अंदेशे हैं। तय कि जो सिलेंडर में गैस रह जाती है ना थोड़ी बहुत ही, उसको वैक्यूम करके दोबारा उसको बेचते हैं, उसको कंप्रेसर करके वो फाड़ता है, वो बहुत नाजुक है। कसूर इन लाने वालों का नहीं है, मैंने आपके पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि ये जो बनाते हैं ना कसूर उनका है, ये जो कारखाने हैं, ये जो इंडस्ट्रियां बनाती हैं
उनका कसूर है। कसूर जिले गवर्नमेंट का है कि वो नाकस सिलेंडर शहर लाहौर के अंदर दुकानदारों को फराहम करने क्यों देते हैं। ये हादसा जो होता है इंसानी गफलत की वजह से होता है। जो भी इसमें गैस भर रहा होता है अगर थोड़ी सी एहतियात करे तो ये हादसा नहीं होते। देखे पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हजारों दुकानें हैं, आज ट्रेनिंग ही मौजूद नहीं है, कोई एहतियात करे कैसे, स्कूलिंग ही नहीं है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के पहले चेयरमैन थे, आज शेख साहब कह रहे हैं वो इंडस्ट्री के चेयरमैन है। सर वो तो जगह जगह लिख के दे रहे हैं, अखबारों में दे रहे हैं, हर जगह दे रहे हैं। इरफान खोखर ने जितनी आवाज नाकस सिलेंडरों के लिए उठाई है ना, आज तक मेरा ख्याल आपकी किसी भी, सिर्फ उन्होंने आवाज उठाई है, आप बताएं कोई एक काम किया हो, सिर्फ आवाज उठाई, बकायदा जंग की है इसके लिए मैदान में। इरफान खोखर हमारे साथ उतरा है। हम कल जब ये सिलेंडर वगैरह फटा, वाकया हुआ, आग वगैरह लगी, तो आप इधर ही थे, क्या हुआ कैसे हुआ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। पहले गैस लीक हुई, फिर उस वक्त धमाका आया, बस ऐसा हुआ था, बहुत ज्यादा धमाके हुए थे, आग यहाँ तक, दुकान काफी दूर है, आग यहाँ तक आ रही थी, और पूरी आबादी में बच्चे, छोटे छोटे औरतें, बुजुर्ग सारी निकल के भागे, पीछे गोदाम है, अल्लाह ना करे कोई बहुत बड़ा भी हादसा हो सकता, आवाम डरी हुई। इरफान खोखर साहब की जो एसोसिएशन है वो दो नंबर एसोसिएशन है, एक जेली एसोसिएशन, एक फेक एसोसिएशन है, तो जब एक बंदा और उसकी एसोसिएशन ही फेक और जेली होगी तो दो नंबर सिलेंडर और दो नंबर फेक सिलेंडर कैसे खत्म कर सकता है, ये एक तमाशा है जो उन्होंने लगाया हुआ है। लाहौर में लगभग 70,000 रिक्शा है और बारहा दफा प्रोग्राम तमाशा में ये आवाज उठाई गई के रिक्शों को जो सिलेंडर लगे हैं वो नाकिस हैं। अभी भी 95% रिक्शों में ये नस्ब है, इसको ये कड़ा सा लगता है, कैसे खोलते हैं इसे, खोले जरा। इसको खोलने के बाद ये अभी गैस ऊपर से बंद करेंगे, इसको खोल लेंगे तो ये खुल जाएगा ये। अब और ये कई दफा अगर प्रॉपर टाइट ना हो तो गैस लीकेज की वजह से आग भी लग सकती है। किसी तरह का कोई इशू नहीं है इसमें, कोई गैस लगने का इशू नहीं है। अगर ये ममनू हो तो इनको बेचें क्यों लोग। ये वो वाला सिलेंडर नहीं है, ये वो नहीं है, नाकस सिलेंडर है। ये शालमी में और गुजरांवाला में जो 400 कारखाने तैयार कर रहे हैं, ये वो सिलेंडर है। उस सिलेंडर के लिए जो कमेटी बनी थी, आप अपने तमाम प्रोग्राम निकाल के देख रहे हैं, मैंने कहा था कि इरफान खोखर साहब की सरपरस्ती में वो कमेटी बनी है, इरफान खोखर साहब उसके हेड हैं। अब वो मेरी बात सच साबित हुई ना कि बशीरा दे घर कमेटी पैगी ना, बशीरा लभनी ना कमेटी लभनी। सिलेंडर लगा हुआ है जी, जी सिलेंडर दिखाते हैं जी, हम दिखा रहे हैं कि अभी भी 90% काम होने वाला है। ये नाकिस सिलेंडर है, ये फट सकते हैं खुदा ना खास्ता, किसी की जान ले सकते हैं। इसका हल फिर किया है अपनी मदद आपके तहत, रिक्शा को ड्राइवर जो है वो पेट्रोल पे चले गए हैं। बहुत 1,000 मुलाकातें भी की हैं, एक दफा उनके पास भी गया, उन्होंने कहा जी, मैंने कहा जी ये तरीका इसको कर दें, ये पेट्रोल पे, मैं वापस आता हूं। चूड़ियां छुड़ियां जो है ना, ये पहले जेन्युइन सिलेंडर होगा ना, ये चूड़ियां छुड़ियां का मामला भी हल हो। एलपीजी की कीमतों के मामला की वजह से, सारी की सारी मार्केट में ब्लैक होने की वजह से, अरबों रुपए का आम आदमी को, आम सार्फिन को, घरेलू सार्फिन को चूना लगाया जा चुका है। मैं कहूंगा ये माफिया के हमायत याफ्ता है। किस माफिया के? एलपीजी माफिया, जो वो तो खुद डिस्ट्रीब्यूटर है। सर डिस्ट्रीब्यूटर एलपीजी के ही है ना। यही प्रोग्राम से नई खबर देने लगा हूँ, इनका फ्रांसी का ऑडिट होने लगा है तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स का और कंपनीज का, कि इन्होंने पिछले कितने महीनों में कितनी गैस कितने किस तरीके से खरीदी है। ये बेहतर है खुशाइन है, बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर्स का फ्रांसी गार्डन होने जा रहा है। एक साफ फैसला है, आज तक ऐसा हुआ नहीं था कभी, ये बहुत बड़ा, देखे बहुत बड़ा एग्जाम है ये। कैसे ही रिकॉर्ड आएगा देखना, कैसे डिस्ट्रीब्यूटर उसी रेट पे बेचना शुरू। यार अपना खोखर साहब ना फटे जान, ध्यान करियो। अच्छा। मुझे देख ले खोखर साहब ये क्या कह रहे हैं, फासा खाजिया गाजना टेंडो ने पीर सर गाल लगी है, शक पै रहे हैं। नहीं नहीं, और बाद में मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूटर पकड़े जाएंगे, शक पड़ रहा है। ये ओगरा के साथ मिलकर काम कर रहा है, सिलेंडर बनाने वाले कारखाने हैं उनके ऊपर फहद शहबाज साहब ने, तमाशा प्रोग्राम ने और फहद खोखर साहब ने बहुत ज्यादा मेरे साथ मिलकर काबिशें की हैं। मैं आपको खराज तहसीन पर करता हूँ, ड्राइवरों कातल है ये, रोजगार बंद कराएगा ये, रक्षे रक्षे बंद कराएगा ये, खरीद ले फिर हम कातल नहीं है। ओ खुदा का लिए, इसलिए मैं कहता हूँ क्या, फिर मैं कहता हूँ ना खरीदो, जब पेट्रोल पहुंच जाके नहीं बोले पेट्रोल पूरे शहर में, यार गरीबों को मैं घरों को चोर और चौकीदार दोनों मिले हुए हैं। आप एलपीजी माफिया और हुक्मरान डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनियों वाले सब मिलकर घरेलू सार्फिन और रक्षा ड्राइवरों को लूट रहे हैं। ये वो सारी बातें हैं जिनका आने वाले दिनों में बड़ा वाजे हमारे व्यूअर्स को जो है वो मैसेज मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ मैं हूँ फहद शहबाज खान। एलपीजी की कीमतें आज फिर से महंगी हो गई और 115 रुपये एलपीजी का बाज़ार से मिलना एक दीवाने का ख्वाब नज़र आता है और इसका कोई हल नज़र नहीं आता, कोई सूरत नज़र नहीं आती। और लोगों को जिस बहरान का सामना है, गैस के जिन प्रेशर्स का सामना है, वो आप
जो गैस के महकमे वाले हैं वो जब घरों में विजिट करते हैं तो सिफर प्रेशर, ज़ीरो प्रेशर आता है। वो जब भी सुबह रीडिंग देते हैं तो ये सूरत हाल गैस की तरफ से चल रही है। लोग फिर मुतबादल ईंधन पर जाते हैं खाना पकाने के लिए और सारे घर के मामला चलाने के लिए, तो इन मामला को देखने के लिए उन्हें LPG पे जाना पड़ता है और LPG 115 की मिलना महाल है, नामुमकिन हो चुकी है। अभी भी 170 रुपये, 180 रुपये और कुछ जगहों पे, चीधा चीधा जगहों पे 160 रुपये अवेलेबल है, जिसकी वजह से हालात जो हैं वो ख़राबी का शिकार हैं, लोगों के मसाइल जूके तू हैं। हमारे साथ खोकर साहब भी मौजूद हैं, पब्लिक भी मौजूद है, सबसे हम बात करेंगे, पूछेंगे, लेकिन कोई हल नज़र नहीं आता। सर्दियाँ जो जो गुजरती जा रही हैं इसका हल कोई नज़र नहीं आता। एक हल ये था कि बड़े अच्छे तरीके से ये सारे लोग इस शाम अपने ड्राइंग रूम्स में बैठे होते, बड़े आराम से हीटर चला के बैठे होते और साथ में ये चलगोजे खा रहे होते जो 5,000 रुपये किलो हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनको सड़कों पर आना पड़ा, ये सारे लोग अब सड़कों पर खड़े हैं, चौक में खड़े हैं और वहादत कॉलोनी के करीब हम बिल्कुल कलेक्शन कॉलोनी है, वहादत रोड बनता है, वहाँ हम खड़े हैं और ये लोग इस वक्त इस सर्द शाम में भी यहाँ मौजूद हैं। खोकर साहब अस्सलाम वालेकुम। खोकर साहब, ये लोग आपको हर जगह हर कॉलोनी में इसी तरह नज़र आएंगे और आप भी पब्लिक को ज्वाइन करने के लिए पब्लिक की वॉइस बनते हैं चूँकि और इधर पहुंच जाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इन मसाइल का हल क्या है और LPG इसी तरह महंगी, गैस का बहरान इसी तरह शिद्दत उठा रहा है, क्या आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? बिस्मिल्लाह रहमान। सबसे पहले तो मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, LPG सार्फिन से बेहद शर्मिंदा है कि यहाँ पर जो है कीमत को कंट्रोल हम नहीं कर पाए। डिमांड एंड सप्लाई का डोंगल चाह के लोगों ने बहुत पैसा बनाया और ब्लैक माफिया और सब लोग आपस में ये मिली भगत से सब चीज़ें चलती रही, लेकिन अल्लाह का फजल है कि मैं आपके प्रॉब्लम से आज अच्छी खबर आपको देने जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह जो हफ्ता शुरू होगा उसमें आप देखेंगे कीमतें हम ऑलमोस्ट 80% तक कंट्रोल कर चुके होंगे। नहीं तो ब्लैक के नाम पे जो अरबों रुपए की गेम इधर उधर हो गई, जिनको खजाने भरे गए, जिनको जो जेबें भर गए और जो सियाल में अपना सीजन लगा गए और अगली सर्दियाँ अपनी नस्लों को संवार गए, उनका परेशान हाल कौन होगा? परेशान हाल होगा आप लोग, किस लिए हैं लोग सड़कों में रोज तमाशा लगा के खड़े हो जाते हैं, आप उनसे पूछें ना उनको कैफे करदार तक, हम पब्लिक में हम तो इनकी आवाज़ उठाएंगे ना, आप उनके वो ताकतवर लोग आप उनको हाथ डाले ना, रोज तमाशा लगा के सड़कों पे खड़े हो जाते हैं आप पता चले आप कितने बड़े एंकर हैं, उनको पकड़े ना, माफिया को पकड़े, ताकतवर लोग हैं। आप कंप्लेनेंट क्यों नहीं बन जाते है? आप कंप्लेनेंट क्यों नहीं बन जाते पूरे, आप नैब क्यों नहीं चले जाते भाई? आपको पता है सारे मगरमच्छों का, आपके इदारे के लोग हैं, आपके अपने लोग हैं, आपके एसोसिएशन के लोग हैं, आप क्यों नहीं जाते? मैंने आपके प्रोग्राम, आप नैब से डरते हैं, आपको क्या मसला है? मैं 72 दफा कहा है कि आप इतने फन्ने खाए ना, जाएं जरा माफिया को हाथ डालें, हमें तो कमाल है, आप निशानदेही करें, मैं तो बता ही सकता हूँ ना, हम तो पब्लिक, आप फैक्शन फिगर आपके पास है, आपको पता है कौन कितने खा गया? पता है, देखिए अरबों, आपको पता है, बताएं नाम क्यों नहीं लेते? मैं फन्ने खाऊं तो आप कम है किसी से? मैं कहता हूँ आप क्यों नहीं बताते, सारे इसमें शामिल है, आप क्यों नहीं बताते, नाम क्यों नहीं लेते? तो सब आप डरते हैं, अब भाई जान आवे कावा डरते हैं, आवे कावा डरते हैं, मैं नहीं डरता हूँ, आप जैसे ताकतवर एंटी करप्शन चले जाए भाई, नैब चले जाए, FIA चले जाए, बताएं तो सही, और DC ने लिस्टें मांगी, आप नहीं गए लिस्टें देने? अब भाई मैंने सबको लिस्टें दी हैं। कौन सी लिस्टें दी हैं? मुझे भी दें। अभी मैं प्रोग्राम तमाशे में चलाते हैं, कौन सी लिस्टें आपने इदारों के साथ शेयर की हैं? मैं चैलेंज करता हूं आपको, आपने कौन सी इदारों से लिस्टें शेयर की है मुझे बताएं, मुझे लिस्टें देना, जितने बड़े ताकतवर लोग आप हुजूर मुझे लिस्टें दें, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ताकतवर कर रहे हैं इदारों ने करना, मैंने करना, मैं तो निशानदेही कर सकता हूं, बारी बारी बात करते जी करें, मैं आपको कह दिया ना, मैंने आपके प्रोग्राम 72 दफा कहा है, ये जितने रिटायर्ड ताकतवर पॉलिटिशियन जनरल्स हैं आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ओगरा की वेबसाइट खोलें, मेरे नाम से कंप्लेंट, और फरिश्ते तो देना, और भाई मैंने वहां दी हुई है, दी है? मैं रोज सड़कों पर लेके घूमू, कहां दी है? भाई मैंने व्हाट्सएप भी करते हैं, आपका व्हाट्सएप बड़ा एक्टिव है, मुझे पता है इस बात का, व्हाट्सएप कॉल्स भी एक्टिव है आपकी, मुझे बताइए किसको दी है? बोलने देंगे तो किसको दी है? बताएं बताएं, अब भाई बोलने देंगे? बताएं बताएं, मैंने इनको 72, आप देखिए कंपटीशन में साइड खोलें, 32 करोड़ 80 लाख मैंने जुर्माना कराया हुआ है, साइड खोल के देखे ना, करवाया काम भी कर लिया, एग्रीड एग्रीड ये करवाया, मुझे पता है इस बात का, एग्रीड एग्रीड बोलने अगली बात करें, देखिए मैं इन तमाम कोटे भी कैंसिल कराए मैंने, तमाम ताकतवर लोगों के इस सर्दियों में किस किसने जो खुर्द-बुर्द की है, ब्लैक किसने की है, लोगों तक ये सारी चीजें कैसे, किसने रसाई रोकी, किसने मुनकता की, ये बताइए आप। अगर आप मेरी बात टोकेंगे मैं बात नहीं करूंगा, इनकी आवाज बंद के हमने बुलंद, आप रैली जवाब ही नहीं दे रहे, रेलिवेंट मैं कह रहा हूँ लिस्टें दे, फिर इसे दे, आपके मुताबिक 1+1 करें ना, मेरे मुताबिक नहीं, लोगों के मुताबिक, आवाम का शो है मेरा नहीं है, ये तमाशा आवाम का शो है, मेरा शो नहीं है सर, आप मैं कहता हूँ आप जिस तरह गौरी साहब थोड़े दिन रेस्ट करने गए ना, आप भी आराम से चले जाए,
منڈے سے قیمتیں ہم دیکھیں کہاں آتی ہیں. ٹھیک ایک بات ہو, میں یہ پوچھ رہا ہوں کوکر صاحب, آپ بڑے واجب الاحترام, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو لوگ کالا دھن کما چکے ان کا کیا کیا ہے؟ آپ کی ایسوسیشن کے لوگ ہیں, آپ کو پتا کون ہے, آپ سرکل کیوں ہیں, بتاتے کیوں نہیں ہے؟ ایسوسیشن کا ایک بندہ اس میں شامل نہیں ہے. کون لوگ ہیں؟ بہت دیکھیں, دکاندار کی کتنی پاور نہیں ہوتی, یاد رکھیں یہ ڈسٹریبیوٹر پاور نہیں ہے, وہ طاقتور لوگ پیچھے سے چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں. دیکھیں بات کرنی ہے, آپ چپ رہیں گے تو عوام تک بات جائے گی, اگر آپ اسے بولتے رہیں گے عوام تک بات ہی جائے گی. بات یہ ہے کہ غریب, یہ وہ گیس ہے جو پاکستان میں پیدا ہوتی ہے 80%, اور اس کی یہ بائی پروڈکٹ ہے جس کی لاگت صرف 9 روپے کے جی ہے. اب عام تک یہ بات جان, یہ عام سب ہم ہمیں سب لوگ یہ طاقتور لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ گیس ہی جو, یہ سارے میرے بہت سینئر میرے سے کھڑے ہیں, بڑے میرے سے, یہ گیس 15-20 روپے کلو, یہاں پہ 25 روپے کلو, یہ اب عام رولا کرتی تھی. ٹھیک ہے نا, یہ بائی پروڈکٹ ہے, تمام پروڈکٹ کی یہ بائی پروڈکٹ ہے, یہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ اب یہ ہیرون سے بڑی قیمت اس کی بن گئی ہے, بہت طاقتور لوگ اس میں آ گئے ہیں. گزارش اتنی ہے, یہ پاکستان میں 80% پیدا ہوتی ہے, اس کو کنٹرول کرنا گورنمنٹ کا کام ہے. یہاں عوام تک سستی گیس, ہم ایسوسی یا ہم تو اپنے گھر بیٹھ جائیں, اجاگر نہ کریں, ہم ان کا بتائیں نا, تمام کمپنیاں بلیک مارکیٹ میں جو شامل ہیں اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے.